मध्य प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भरत पोरवाल उज्जैन प्रभारी मंत्री के एक बयान से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने प्रभारी मंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर डाली। मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक पत्र लिखकर इस्तीफे की मांग की है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल सोमवार को लोक निर्माण विभाग और उज्जैन के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सावन में महाकाल की सवारी में सम्मिलित होने के लिए उज्जैन आए थे। यहाँ किसी सवाल पर उन्होंने उज्जैन शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी को बच्चा बुद्धि और अपरिपक्व कह डाला। पीछे जाना चाहिए। स्थानीय अध्यक्ष का ये कहना है कि प्रभारी मंत्री जी से दूरी बनाए रखे, ऐसा कांग्रेस से। अरे अखबारों में खबर है, अभी बच्चा बुद्धि लोग हैं, अभी हम परिपक्व लोग हैं। ये बात मध्य प्रदेश कांग्रेस महामंत्री को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक पत्र लिखकर सज्जन सिंह वर्मा के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही पोरवाल ने ये कहते नजर आ रहे हैं कि यदि सरकार के मंत्रियों का अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति यह रवैया रहा तो अगली बार कांग्रेस सरकार कैसे आएगी। नहीं, ये संगठन की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी से मैंने एक मांग करी है कि उज्जैन में कल एक घटना हुई है कि सर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं, उनको माननीय मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी ने बोला है कि आप अपरिपक्व हो मीडिया के माध्यम से, वो बच्चा बुद्धि है। मेरा कहना है कि माननीय मंत्री जी को इस चीज़ शोभा नहीं देती है कि वो संगठन के अध्यक्ष हैं। आज संगठन ने आपको विधायक बनाया है, संगठन ने आपको मंत्री बनाया है, संगठन ने आपको प्रभारी मंत्री बनाया है, आप अपरिपक्व जैसी बातें करते हैं। इसलिए मैंने कमलनाथ जी से इस्तीफे की मांग करी और मैं चाहता हूँ कि संगठन को अगर मजबूत करना है तो ऐसे अपरिपक्व मंत्री को तत्काल हटाना चाहिए। इस प्रकार से बच्चा बुद्धि कहा गया कांग्रेस के शहर अध्यक्ष को, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस प्रकार से मनोबल कमजोर हुआ है और कांग्रेस के जो स्थानीय नेता उनका इस प्रकार से मनोबल कमजोर हुआ है। नहीं, जब अध्यक्ष कोई आप मन बुद्धि और बच्चा बुद्धि कहोगे तो कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ा होगा इस चीज़ का, उनके बारे में तो उनकी मानसिकता कुछ और ही होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो शहर अध्यक्ष को भी संगठन, जो कमलनाथ जी ने जिसको शहर अध्यक्ष बनाया है, कमलनाथ जी ने आपको विधायक बनाया, कमलनाथ जी ने आपको मंत्री बनाया, कमलनाथ जी ने आपको प्रभारी मंत्री बनाया, क्या कमलनाथ जी ने मन बुद्धि और बच्चा बुद्धि और परिपक्व आदमी को शहर अध्यक्ष बनाया गया? सोचने वाली बात है। जब आप शहर अध्यक्ष को कुछ नहीं समझते तो कार्यकर्ता के प्रति इनकी क्या भावना होगी। इसलिए मैंने तत्काल इस्तीफे की मांग करी है। बाबा महाकाल की नगरी में ये चीज़ नहीं चलेगी। इस मांग को लेकर आप कहाँ तक जाएंगे? नहीं, राहुल गांधी जी को भी अपन ने प्रतिलिपि पत्र लिखा है और ये अगर संगठन अगर इन चीज़ों को नहीं महत्व देंगे तो कांग्रेस बची खुशी भी खत्म हो जाएगी, अगली बार सरकार नहीं बनेगी अगर मंत्रियों ने इस टाइप के अगर संगठन के बारे में शब्दों का प्रयोग करेंगे तो। न्यूज मीडिया टुडे के लिए उज्जैन से असलम खान की रिपोर्ट।